शुरुआत करते हैं एक ट्वीट पर छिड़ी रार को लेकर। देखिए, एक ट्वीट किया गया जिसके बाद तलवारें खींच गई हैं। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए अपमानजनक भाषा का शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने लिखा है कि लड़की है, लड़ नहीं पाई और भाग गई। वहीं पर प्रियंका गांधी के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में देखिए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की आवाज पर काली पोती गई है। तो देखिए, एक एक्स पर पोस्ट किया गया है और सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अब देखिए तलवारें खिंची हुई नजर आ रही हैं और एक दूसरे के जो तमाम समर्थक हैं वो अब उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से। दिनेश प्रताप कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं और मंत्री बने हैं। रायबरेली के दिनेश प्रताप सिंह ने यह पोस्ट किया तो देखिए कांग्रेसी भी अब भड़के हुए नजर आ रहे हैं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के इस बयान पर, इस पोस्ट पर। प्रियंका गांधी के खिलाफ जो बयान दिया गया उसका विरोध किया जा रहा है और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की आवाज पर काली पोती गई है। ये देखिए, हम आपको एक्स पोस्ट दिखाते हैं जिसमें लिखा गया है कि अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई, वहां जहां लड़ना न पड़े बूढ़ी जो हो गई है। तो ये इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से किया गया है और प्रियंका गांधी के लिए जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसके बाद देखिए विरोध प्रदर्शन करते हुए, विरोध जताते हुए ये जो तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आप देखिए किस तरह से कालिक पोतते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए दिनेश प्रताप सिंह के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, चोर, बेईमान, ये दिनेश प्रताप सिंह की आवाज पर लिखा गया है। क्योंकि एक्स पोस्ट जिसके बाद ये देखिए एक तरफ आप देख पा रहे हैं वो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ वो एक्स पोस्ट जहां पर आप देखिए जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भड़के हुए हैं। दिनेश प्रताप सिंह, प्रियंका गांधी को लेकर उनका ये पोस्ट सामने आया था। आपको बता दें कि वायनाड से प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाया गया है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े हैं, सांसद हैं रायबरेली से और अब वायनाड सीट उन्होंने छोड़ दी है। ऐसे में प्रियंका गांधी को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है और इसी पर दिनेश प्रताप सिंह ने ये पोस्ट किया। प्रियंका गांधी पर बयान देने के बाद में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर कांग्रेसियों का गुस्सा जाहिर हुआ है और यहाँ पर कांग्रेस के एक नेता है अनिल यादव, जिन्होंने यहाँ पर अनिल सिंह की जो नेम प्लेट थी उसे काला स्प्रे पेंट किया और गेट के ऊपर भी काला स्प्रे करके चोर मंत्री लिखा। इसके बाद में आप देख सकते हैं आनंद फानंद में जो लोग हैं वो पेंट कर रहे हैं और जो लिखावट है उसे मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें अब सोशल मीडिया में आ चुकी हैं, जो वीडियो आ चुकी हैं, उनको किस तरह से मिटाया जाएगा ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो भी रोकने का प्रयास कर रही है मीडिया को कि इस तरह की इस खबर को कवर न किया जाए, लेकिन उसके बाद भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ इस समय प्रदेश में और राजनीति में चल रहा है। लखनऊ से ज़ुहैब आलम, भारत समाचार। तो देखिए दिनेश प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद आप देखिए दिनेश प्रताप सिंह की आवाज पर कालिक पोती गई है और आप देखिए किस तरह से चोर, बेईमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि कहा यह जा रहा है दिनेश प्रताप सिंह ने जिस तरह से इस्तेमाल किया है, जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के शब्दों का, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से और तमजीत अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले संजय जी, आप ही से सवाल, दिनेश प्रताप सिंह ने आखिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रियंका गांधी के लिए क्यों किया? अगर उनको विरोध ही जताना था तो और भी इस्तेमाल कर सकते थे, बूढ़ी हो गई है, अंततः लड़की लड़ नहीं पाई, भाग गई, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या कहेंगे आप? दिनेश सिंह जी, मैंने
उचित रूप से अपना संजय सर सर तमजीत जी संजय जी से सवाल था, मेरा सवाल संजय जी से था। तमजीत जी मैं आऊंगा आपके पास। संजय जी क्यों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया? चलिए संजय जी के पास आवाज नहीं जा पा रही है। तमजीत जी अब देखिए आप कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह का जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर ये इस तरह का पोस्ट किया है। तो अब ये विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा या फिर ये थमता हुआ अभी नजर आएगा? खुद आरएसएस के 8 साल से अभी नया नया उन्होंने तो ट्वीट किया है, वही उन्होंने उगला है ट्विटर के माध्यम से। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। दिनेश प्रताप सिंह अगर सोच रहे हो कि इस तरह की टिप्पणी करके और वो बचेंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा और उनके खिलाफ जो भी कानून तहत जो भी हो सकता है उसकी लड़ाई लड़ेगी। सड़कों पर उतर के लड़ेंगे, सांसद में लड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी के खिलाफ जो भी उन्होंने इस्तेमाल किया ये बर्दाश्त नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमजीत जी आपका भी, संजय जी आपका भी। तो देखिए अब सड़कों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो उतरेगा। उन्होंने कहा कि अब जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो चुप नहीं रहेगा जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रियंका गांधी के लिए किया गया है।